हेलो एंड वेलकम टू गौरव मोटिव अनबॉक्स। सर्दियां चल रही हैं और दिल्ली की सर्दी तो वैसे ही बहुत मशहूर है, बिल्कुल बोन चिलिंग होती है। तो मुझे लगा क्यों ना इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास पाने के लिए एक ऑयल फील्ड हीटर मंगाया जाए, और मैंने ऑर्डर किया मर्फी रिचर्ड्स का OFR 11F ऑयल फील्ड रेडिएटर यानी रूम हीटर। तो चलिए फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी खुल जा सिम, और उसके बाद देखेंगे कितने देर में काम करता है, रूम को कितना अच्छा हीट करता है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो चलिए फटाक से करते हैं इसकी खुल जा सिम। दिस इज यू शेप्ड बोल्ट, 2 ईयर्स वारंटी कार्ड। मर्फी की साइट पर जाके इसको रजिस्टर करना ना भूलें, और ये इसका प्रेम पत्र यानी मैनुअल। अब चलिए करते हैं फटैक से इसकी असेंबलिंग। इसके लिए आपको एक टेबल चाहिए होगा, टेबल पे इसको रख के सबसे पहले इसके नट्स निकाल लीजिए और इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। जो साइड वाले आपको होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो बोल्ट्स आने चाहिए, और फिर इसको स्क्रू कर दीजिए अच्छे से टाइट तरीके से, और इसी तरह से दूसरे वाला भी सेम तरीके से लगा दीजिए। इसकी व्हील्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं। अभी हो चुका है असेंबल, अब इसको नीचे रखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हीटर मैंने ऑन कर दिया है, और ये सबसे पहले है इसका कैरी हैंडल। इसको यहाँ से आप पकड़ के आगे ड्रैग कर सकते हैं, और ये इसकी फिन्स होती हैं। ये जो हीटर है ये 11 फिन्स का है, 9 फिन्स का जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, तो एटलीस्ट हमें 11 फिन्स का लेना चाहिए। और अगर रूम बहुत छोटा है देन 9 फिन्स विल वर्क, बट जनरली 11 फिन्स का ही बेटर परफॉर्मेंस के लिए है। दिस इज पावर इंडिकेटर, दिस इज पावर सिलेक्शन नॉब। आप थर्ड पे चलाना चाहे, थोड़ा कम गर्म करना चाहे तो उस हिसाब से यू कैन चूज। और ये है थर्मोस्टेट कंट्रोल। इसको आप मैक्सिमम पे रखें जब ऑन कर रहे हैं, और जब आपको लगे कि रूम आपका अब गर्म हो चुका है तो इसको धीरे धीरे जब आप इस तरीके से घुमाएंगे तो, और अगर जब ये बंद हो जाए, अब जैसे ये रूम ठंडा है काफ़ी, अब इस लेवल पे ये बंद हो गया तो इसका मतलब है आपके रूम का टेम्परेचर ये है। तो जब आपका रूम गर्म हो जाए और आपको लगे बस उसी पे मेंटेन करना है तो उस टाइम इसको आप घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जिस तरह से एसी हमारा एक रूम टेम्परेचर पे हम सेट कर देते हैं, फिर जैसे ही रूम का टेम्परेचर उस लेवल पे आता है तो एसी ऑटो स्टॉप हो जाता है, ठीक उसी तरह से जब आप इसका यहां से सेट कर देंगे तो उसी मोमेंट पे ये ऑटो स्टॉप होने लगेगा, तो ऑटो कट ऑफ इसका हो जाएगा। ये इसका ब्लोअर है और यहां से ये एयर को इनटेक करता है, और ये इसका स्विच है ब्लोअर का। अब आप देख रहे हैं ये स्विच ऑन करके ब्लोअर चल गया, क्योंकि ऑयल हीटर थोड़ी सी देर बाद गर्म करना शुरू करता है, और अगर आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए तो पहले इसका ब्लोअर भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ये एयर को सक कर रहा है और यहाँ से ये गर्म एयर जो है वो थ्रो आउट कर रहा है, और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक आवाज़ है। नहीं तो इस ऑयल हीटर्स में मैंने देखा है कि और भी जो हीटर्स होते हैं उनके ब्लोअर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ करना चाहें या बंद करना चाहें, जब आपका रूम ज़्यादा गर्म हो जाए फिर उसको आप बंद भी कर सकते हैं। इंस्टेंट हीट जनरेट करने के लिए ये ऑप्शन होता है कि जल्दी से गर्म हो जाए, इसलिए ऑप्शन होता है। जब आपका हीटर यूज़ नहीं हो रहा हो तो उस वक्त आप इस कॉर्ड को, पावर कॉर्ड को यहाँ पे रोल कर सकते हैं और यहाँ पे इस प्लग को लगा सकते हैं ताकि वो भी नीचे घसीटे ना। हीटर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कुछ ही मिनट्स के अंदर रूम को वार्म कर देता है, आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, और दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और स्लीक सा है, ताकि कॉर्नर ऑफ द रूम में बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है, इजी टू ड्रैग है, और एक अच्छे ब्रांड का है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। मुझे तो ये हीटर बहुत पसंद आया एंड आई थिंक दिस इज वर्थ बाइंग। अगर आप भी अपने घर के लिए ये ऑयल फील्ड हीटर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट प्राइस वाला लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है, इसको अभी राइट नाउ तुरंत सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे किसी और चीज की अनबॉक्सिंग। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।